मानते कि इस देश में एक मुसलमान लड़का भी उतना ही नागरिक है इस देश का जितना कि एक हिंदू सिख इसीलिए वेरी गुड क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आने लगता है आप नहीं मानते नहीं मैं आपको मुबारकबाद देता हूं अगर ये बात आपकी सही है सर तो आखिर क्या वजह है कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू को सिख को और बौद्ध मजहब वालों को मिलेगा मुसलमान और क्रिश्चियन क्यों नहीं मिलेगा क्या मैं शहरी नहीं हूं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो अब वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका वॉयलेशन हो रहा है हम यही तो कह रहे हैं कि ये आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल उसका ख्याल हूं आप बता दीजिए कि इसको निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका जो मुसलमान यूथ है उसको रिजर्वेशन आप उसको रिजर्वेशन का रास्ता दिखाते क्यों है आप उसको IIM भेजिए ना आप उसको IIT भेजिए जो दूसरे जा रहे हैं IIM को रिजर्वेशन पे आप उसको जो 50% रिजर्वेशन OBC में जा रहे हैं 33% वो क्या करेंगे फिर आप कैसा करेंगे अच्छा आप कह रहे हैं कि बताइए सर हम क्यों नहीं पढ़ते कि हमको पढ़ने का शौक नहीं है हमको बहुत पढ़ने का शौक है मगर गुर्बत हमको पीछे खींच लेती आप देखिए दुनिया भर में आप चाहे आप हों या बाकी के जो नेता हों वो धर्म को ऊपर रख रहे हैं एजुकेशन से वो धर्म को ऊपर रख रहे हैं रोजगार से अगर आप नहीं सर गलत है अच्छा आप बताइए सुनिए मेरी बात मलाला के साथ जो कुछ हुआ अरे इस्लाम मलाला पे आप क्या कहते हैं कुरान की जो पहली आया मैं बोलूंगा मलाला के बारे में जाऊंगा ना आपको छोड़ के मलाला के बारे में बोलूंगा कुरान में जो पहली आयात जो अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद पर भिजाई सारी दुनिया के लिए भिजाई क्या कहा कि अखरा पढ़ो फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान जो रिवील हुआ पढ़ो जो मजहब पढ़ने के ऊपर इतना फोकस करता है जिस मजहब के प्रॉफिट पीस बी अपॉन बोलते हैं कि अगर तुम्हारे को नॉलेज हासिल करना है 1400 साल पहले कहा कि तुम चीन जाओ वो मजहब के मानने वाले क्यों दूर होंगे एजुकेशन से मलाला से जो हुआ गलत हुआ मैं मान रहा हूं उस बात को बिल्कुल गलत हुआ हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ मैं इसलिए तो कहा कि हज सब्सिडी जो 800 करोड़ की बर्खास्त करके मुस्लिम गर्ल स्कॉलरशिप पे ले दे दो आप आपके जो इस्लाम के जो ठेकेदार हैं वो आप देखिए पेशावर में क्या कर रहे हैं वो अरे सर स्कूलों में क्या कर रहे हैं वो सर स्कूलों में पेशावर में बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे आपका सवाल गैर वाजबी है पाकिस्तान से मेरे को क्यों जोड़ रहे आप सर मुझे हिंदुस्तानी समझिए नहीं मैं इस्लाम नहीं, से नहीं, इस्लाम पाकिस्तान से सुनिए मैं आपको इस्लाम से अरे सर इस्लाम से अगर आप जोड़ रहे हैं तो सारी दुनिया के लोगों ने मजम्मत की उसकी सारी दुनिया के लोगों मैं ने आपको बताऊं मैं क्यों जोड़ रहा हूं नहीं, अगर आपने ये कहा होता कि इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चा इंडियन है भारतीय है तो मैं आपको फिर मैं आपको नेशनलिज्म से जोड़ता लेकिन आपने कहा कि पैदा होने वाला हर बच्चा मुसलमान है इसलिए इस्लाम से जोड़ रहा हूं मेरा फेथ है सर और मैं इसको जस्टिफाई करूंगा आपको आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते आपके लिए और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी मोतबर चीज है मौजिज चीज है आर्टिकल 19 आर्टिकल 25 आर्टिकल 29 नहीं सुनिए मैं आपके लिए पढ़ने आया हूं अरे सर आप बताइए अगर आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है इख्तियार है और एक चीज मैं कह रहा हूं 1987 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा कि प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं दुनिया के सामने मेरे मजहब को कह रहा हूं मैं तो अपनी तकरीर में कंडेम किया हूं ISIS को और सारी दुनिया को बता रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट जो है सारी दुनिया के लिए एक मर्सी थे मैनकाइंड के लिए उनकी मिसालें दिया हूं और अगर कोई तालिबान हो पाकिस्तान का या कोई ISIS हो उससे हम कंडेम कर रहे हैं उनको और हम तो कह रहे हैं कि गलत है कभी एक दिन मुलाकात या डिबेट हो जाए ISIS वालों से हम उनको एक्सपोज कर देंगे पूरा देश में जो लोग मिस करते हैं वो ये मिस करते हैं कि जब 26/11 का हमला होता है जब संसद पर अटैक होता है उस दिन वो आपको टीवी पर देखना चाहते हैं और उस दिन वो चाहते हैं कि आप उतने ही ऊंची आवाज में बात करें जितना कि आप अलग से करते हैं गलत कह रहे हैं आप इल्जाम लगा रहे हैं झूठा मुझ पर मैं आपको चार्ज कर रहा हूं 26/11 का जब वाकया हुआ आप किसी को बिठाइए यूट्यूब पे मेरे कई तकारीर हैं कई स्पीचेस हैं जहां पर हमने उस वक्त भी कंडेम किया मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 26/11 का वाकया हो रहा था जब बिहार के अशरफ अली फातिमी साहब के घर में एक दावत थी और मुझे बुलाया गया टीवी चैनल पर नेक्स्ट डे मैं जाकर कंडेम किया पार्लियामेंट में इसकी मुझे मौका मिला कंडेम किया पब्लिकली हमने कसब की फांसी पर मुबारकबाद दी ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उन लोगों को मुबारकबाद जिसने कहा कि नहीं हम इसको हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन दफनाने दे देंगे देखिए सर यही तो हम कह रहे हैं कि भाई बदलो जहन को हमको एक समझो अपने साथ समझो
میں مذہب مسلمان ہوں, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, مگر مجھے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ میری ہندوستان کی آئیڈینٹی پہ فخر بھی ہے. جس دن آپ یہ کہنے لگیں گے کہ داؤد ابراہیم کو واپس لانے کی مانگ میں کرتا ہوں, اس دن لوگ آپ کو الگ نظر سے دیکھنے لگیں گے. حافظ سعید کو لاؤ بھائی, کون روک رہا آپ کو؟ میں پرائم منسٹر ہوں, جان ریمبو ہوں میں, کریے, کون روک رہا ہے آپ کو؟ مگر یہ کیوں بھائی, میں بولوں گا ہی تو ہی برابر ہے سر. آپ بولیے, آپ اس وقت نیشنل ٹیلی ویژن پر ہیں, آپ بولیے, آپ حافظ سعید کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, آپ بتائیے, آپ بتائیے داؤد ابراہیم کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ مجھے موقع دیجیے سر. حافظ سعید کے بارے میں پارلیمنٹ میں نے کہا, لخوی کا ذکر کیا کسی نے نہیں کیا حافظ سعید کا پارلیمنٹ میں, آپ دیکھ لیجیے ریکارڈ میں. میں نے کہا وہ بڈھے کو پکڑ کے لے کے آؤ, بڈھا کہا میں نے, لے کے آؤ اس کو پکڑ کے, لاؤ اس کو جیل میں ڈالو اس کو. وہی کراچی کے وہ لخوی بیٹھ کر ڈائریکشن دے رہے تھے وہ نو لوگوں کو جو ہندوستانیوں کا قتل کر رہے تھے, یہ میں آن ریکارڈ کہا ہوں. مگر صرف پاکستان, ان تمام کے بارے میں ہم بولے تو ہی صحیح کیوں سر, ہم تو بولتے ہیں ان کے بارے میں. اور جب ملک کے ٹکڑے ہوئے ہم نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ یہ سرزمین ہماری ہے, ہم بولے یہ ہم یہاں کے ہیں, ہم ریجیکٹ کیے ٹو نیشن تھیوری کو. میں آپ سے بس یہ کہہ رہا ہوں, آپ بار بار یوٹیوب کا نام لے رہے ہیں, یوٹیوب پہ آپ اپنے سپیچ دیکھ لیجئے اور اپنے بھائی کے سپیچ دیکھ لیجئے, اور اس میں آپ دیکھ لیجئے, آپ کو زہر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. سر یہ آپ کا یا جو ہمارے یوٹیوب نہیں, ٹھیک ہے سر, آپ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے اوپینین کو, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے اوپینین کو. اور آپ نے بولی ہوں سر, میں دیکھیں, میں آپ کی بات سے ڈسگری کرتا ہوں, بٹ آئی ریسپیکٹ یو, ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہو سکتی ہے, میری رائے نہیں ہے. وہ یہی تو بیوٹی ہے ڈیموکریسی کی کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسگری کریں. اب میں ڈسگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, مگر آپ کا اوپینین کے ریسپیکٹ. ڈسگری کرنے سے نہیں ہوگا نا, اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی جو ریکارڈ ہے, جو آپ کا جو سی ڈی ہے, وہ ایک ہی جگہ کیوں گھومتی رہتی ہے ہر وقت؟ میں آپ سے اگر اور سب سب جو آج آج جب میں آ رہا تھا, تمام لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ اویسی صاحب سے یہ پوچھے کہ ان کو پریشانی کیا ہے, دقت کیا ہے, بار بار ایک ہی ریکارڈ, ایک ہی چیز, ایک ہی بیان. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ پریشانی نہیں ہے. میری کڑوی باتیں سچی ہوتی ہیں, ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. اب میں تو دوا پرسکرائب نہیں کرتا ان کے پیٹ کے درد کے لیے. آپ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, یہ ایمانداری سے یہاں ہاتھ لگا کے بتائیے. میں یہاں ہاتھ لگا کے اللہ کو حاضر جا کے بول رہا ہوں کہ میں بھڑکاؤ نہیں دیتا ہوں, میں حق بیان کرتا ہوں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا میں حق بولتا رہوں گا, اور میری اگر میری آواز کو بند کرنا ہے تو موت ہی بند کر سکتی مجھے. اب وہ کیسا ہوگا مجھے نہیں معلوم. بھاشن سے نفرت پیدا ہو؟ نہیں, نفرت نہیں پیدا ہوتی. جس بھاشن سے ایک سیکشن آپ سے دور ہو جائے. سر دیکھیے, میں کوئی ٹی آر پی ریٹنگز کا تو معاملہ نہیں ہے میرا. نہیں, آپ کا ووٹوں کا معاملہ ہے. نہیں, آپ کا ٹی آر پی کا ہوگا. آپ کا ووٹوں کا ووٹوں کا نہیں ہے سر. چلو, میں نے ایک ہی سیٹ ہے, ایک ہی سیٹ ہے پارلیمنٹ کی میری. کتنا اتنی سر اتنی پریشانی سر, میں کیا کوئی علاؤالدین کے چراغ کا جن نکل گیا ہوں کیا سب کے لیے؟ ارے سر, ایک ہی سیٹ تو ہوں سر میں. نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, میں ایک ہی جوں, ایک ہی جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا وہ بھی مجھے نہیں معلوم, مگر میں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں حق کو بیان کروں گا, اور لوگوں کو سننا پڑے گا, اور لوگ ڈس ایگری کریں گے بہت اچھا ہے. اگر میں غلطی کرتا ہوں سر مجھے جیل میں ڈالیے, قانون استعمال کریے. آپ نے اپنا لاسٹ بھاشن سنا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر واپسی تو یہاں ہونی چاہیے, آپ آئیے, گھر واپسی یہ ہے, لیکن میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتا, میں آپ کو 5 لاکھ غریب آدمی ہوں سر, کہاں دوں گا میں, ہے نا؟ لیکن میں پانچ ہمارے ایمان کی قیمت کوئی 5 لاکھ روپے رکھتا ہے؟ میں اسی لیے تو اسی لیے میں آج آپ کے گھر آیا ہوں. میں اسی لیے یہ سوچ کے آیا کہ آپ میری گھر واپسی کروائیے. چودھری صاحب, آپ کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے کیا؟ نہیں, میں تو پیسہ نہیں مانگ رہا, پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری گھر واپسی کروائیے. کسی انسان کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہے, نہ 2 لاکھ. میں اپنے فیتھ کی بات کیا, میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ہمارے سر پر یا ہمارے ایمان پر 5 لاکھ روپے رکھے. ارے تم ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں لا کر رکھو, میں ٹھوکر ماروں گا. وہ میں نے سنا, میں 5 لاکھ نہیں, 5 لاکھ نہیں بن سکتے سر. میں نے تو اس لیے رٹورے کے لیے کہا کہ حیدرآباد میں 1 لاکھ کا پان کھا کے تھوکتا ہوں. 5 لاکھ کی اہمیت نہیں ہمارے پاس, نہ رہے گی کبھی. ہم آپ مائنورٹیز ڈے منایا گیا 17 دسمبر کو, اگر غلط نہ کہوں, اس میں بڑے بڑے اخبارات میں اشتہار آیا, ڈی این اے میں پڑھا کہ The judge of a civilization is how he treats his minorities. How do you judge a minorities? بھائی اس طرح ان کو توہین کر کے کہ تم آ جاؤ 2 لاکھ لے لو, 5 لاکھ لے لو, تم چوری کا مال. میں چوری کا مال ہوں سر. ایک بات آپ بتائیے, آپ بھی وہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آئیے نہیں تو بی جے پی آ جائے گی؟ نہیں ڈرا رہا ہوں سر. دیکھیے, مسلمان سوائے اللہ کے کسی ڈرنے والا نہیں ہے.
कोई नहीं डरने वाला। और जमहूरियत में सर नहीं हो सकता ऐसा, नहीं कर सकते ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे इश्यूज हैं, लोग अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट कर नहीं करें रिजेक्ट करेंगे, मुझे मैं क्यों डराऊंगा, हम क्यों डरने वाले, छोटे बच्चे हैं, डरेंगे नहीं डरेंगे सर। तो फिर आपका भाई ये क्यों कहता है कि 15 मिनट दे दीजिए, पुलिस को 15 मिनट दूर रख लीजिए और उसके बाद देखिए कि हम क्या करते हैं। कोर्ट का फैसला दे दीजिए, इंतजार करिए। आपने अपने भाई का यूट्यूब पे बयान तो सुना ही होगा जी, आपको अच्छा लगा? सर मैं अभी अच्छा लगा, आप उस वक्त बुलाना था मुझे, आप बुलाई नहीं। आप 2 साल के बाद आकर हर इंटरव्यू वही बोलते मुझसे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब कोर्ट का फैसला इंतजार करो, कोर्ट देगा जजमेंट, सारी दुनिया के सामने आएगा। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? अभी फैसला नहीं करे सर, इंशाल्लाह जल्द से जल्द फैसला ले लेंगे। दिल्ली के चुनाव तो अब आ गए, एक महीना भी मुश्किल से बचा है, जल्द से जल्द फैसला ले लेंगे। लेकिन कुछ तो आप बताइए कि आप लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते? आप हैदराबाद से बाहर निकले, आप महाराष्ट्र चले गए, अब आपकी नजर बिहार पर है, आपकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। मुलायम सिंह आपको, आप कहते हो कि आरएसएस की चड्डी पहनकर वो राजनीति में खड़े हुए हैं, इसका मतलब एक, एक, एक बात तो यकीनी है, उत्तर प्रदेश में तो 100% इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, यकीनन उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सकी। मुजफ्फरनगर के राइट सारी दुनिया के सामने है, जुल्म पूरा सामने है भाई। हिंदू भी गुर्बत में मर रहे हैं, हिंदू किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, हिंदुओं के पास भी रोजगार नहीं है, सिखों के पास भी नहीं है, उनके बारे में भी दो शब्द बोल दीजिए। रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। आप मुझसे सवाल किए मुसलमान का, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जितने किसान खुदकुशी किए, कोई हिंदुस्तान की रियासत में इतनी खुदकुशी नहीं हुई। इस साल अब तक 450 साईनाथ साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, 450 करीब किसान खुदकुशी कर लिए। रोकना चाहिए सर, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये है, ये हेट स्पीच देना आप कब बंद करेंगे? सर मैं हेट स्पीच, आपकी राय है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपके व्यूज को, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हक को बयान करता हूँ। आपको पसंद नहीं आता है सर, बिल्कुल मैं रेस्पेक्ट करूंगा, मैं हेट स्पीच नहीं देता हूँ, मैं हक को बयान करता हूँ, मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा राइट है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। और सर हम, आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, किसको भारत रत्न मिला सर, जिसने कहा था कि 5 दिसंबर को आपके चैनल दिखाया कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा? कौन से टीवी चैनल ने दिखाया था कि मुसलमान लड्डे हैं महाराष्ट्र के? किसने कहा कि एक धक्का और दो, गिरा दो इसको, हराम ज्यादा राम ज्यादा, क्या क्या नहीं सुना हमने? उन्होंने माफी मांगी। अरे माफी सर, माफी मांग ली हो गया क्या? महात्मा गांधी को गोली मारने वाले उसका आप गोल, अच्छा उन तमाम लोगों भारत संसद में माफी मांगी, आपने नहीं मांगी। 5 दिसंबर को मांग ली, 5 दिन नहीं सर, माफी नहीं मांगूंगा सर, माफी नहीं, मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैं जो हक बयान कर रहा हूँ, माफी किस बात की मांगूं? राम ज्यादा कहने वाला जो आदमी है उसने माफी मांग ली। कब मांगी? नहीं, कितने दिनों के बाद? चलो कितने दिनों के बाद आज मांग लीजिए। नहीं मैं गलती नहीं किया हूँ ना, मैं गलती नहीं किया हूँ, मैं मानता ही नहीं हूँ मैं गलती किया हूँ। और अगर मेरे खिलाफ कोई केस है तो डिसाइड करेगी। मगर आप 5 दिसंबर महाराष्ट्र का बयान, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद गिरा दो, ये सब चीजें हमारे सामने। आपको अगर ये बयान देने हैं तो आप कल जो पेरिस में हुआ उसको लेके आप बयान दीजिए, उसको देके जल्द उसको बोला हूँ, बोला हूँ मैं, ट्विटर पे डाला हूँ मैं, हम सब बोला हूँ, बुलवा रहा हूँ। नहीं सर गलत है, प्लीज नहीं सर गलत है, देखिए दिस इज रॉन्ग, दिस इज, यानी दो चीजें साफ है, आप माफी नहीं मांगेंगे और आप ऐसे बयान देने नहीं छोड़ेंगे। अरे सर बयान अगर मैं गलत देता हूँ तो आप कानून इस्तेमाल करिए मुझ पर, कौन रोक रहा है? कानून तो आपके ऊपर ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हम तो यही कह रहे हैं ना कि कानून आपके ऊपर जो केस बना, आपके भाई के ऊपर जो केस बना, बिल्कुल सही, मतलब आपने कुछ किया होगा तभी तो केस बना। बिल्कुल केस है, केस का हम फैसला करेंगे, कोर्ट फैसला करेगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि मैं भड़काऊ भाषण, नहीं सर मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं हक को बयान करता हूं। मैं सारे लोग मुसलमान है ये कहना आपका हक है, मेरा फेथ का हिस्सा है, मेरा फेथ है ये, और मैं अपने फेथ को आप पर इम्पोज नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुम नेशनलिस्ट नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तुम इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन मेरा फेथ किसी दूसरे धर्म को नहीं हो सकता सर, ये आरएसएस को नहीं हो सकता सर, ये मैं फेथ को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूं सर। नहीं नेशनलिज्म नहीं, मैं कहां जोड़ रहा हूं, आरएसएस का तो ये प्रॉब्लम है ना। अगर आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे गुरु गोलवालकर की, जिसमें चैप्टर 5 में उन्होंने कहा कि इंडिया के इंटरनल थ्रेट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस है नंबर 1 नंबर 2, तो ये तो वही है, ये तो उसी की बात कर रहे हैं लोग। आप उसको मानते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, और मैं उन लोगों कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है सर क्या कि मुस्लिम थ्रेट है?
कौन सा अधिकार नहीं है मुस्लिम को? यकीनन हम तो कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को कौन सा अधिकार नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क से झगड़ा नहीं है हमारा, ना कभी रहेगा हमारा झगड़ा। हमारा झगड़ा तो उन लोगों ने, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप जो वो किताब में लिख रहे हैं वो जाना चाहिए। मैं आपसे बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की घर वापसी का टर्म ईजाद किए, ये घर वापसी का टर्म तो गोलवालकर का ईजाद करा हुआ है 1960 का। अब तो आप करवा रहे हो ना घर वापसी? नहीं, ये लोग शुरू किए, आग लगाई उन्होंने घर वापसी उसको बुझा दीजिए। अरे आग हम सब मिल, सर देखिए मैं आपसे, बहुत अच्छी बात की आप, अगर किसी का घर जल रहा है क्या मैं बोलूंगा कि नहीं मुसलमान घर का पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे आग बुझाने के लिए? हमको तो आग बुझाने के लिए सबका पानी इस्तेमाल करना है, चाहे किसी के घर का पानी हो। किसका घर जल रहा है? मैं तो अभी तक एक घंटे में ये नहीं समझ पाया। मैं तो वही तो, आप जब सवाल कर रहे हैं घर जल रहा है, समस्या का सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। आप ही सवाल देखिए सर, आप सवाल करके अगर कॉन्ट्रडिक्ट करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप जब जलने की बात करें तो मैं कह रहा हूँ बुझाएंगे, आइए सबका पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें। आपको आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में परेशान है। मुसलमानों से इंसाफ करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे वादे किए उसको पूरा करिए, हम इतना ही कह रहे हैं। ये हमारा वतन अजीज है, हमको फखर है, हमारे हम के इस मुल्क के शहरी हैं, यकीन जानी हमको बहुत बड़ा फखर है। ओवैसी साहब, मैं तो बस ये उम्मीद करूंगा कि आप जो माहौल जो गर्म चल रहा है उस पर आप थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। सब मिलके डालेंगे, एक आदमी से नहीं होगा। मैं 60 साल से महीना, ये जो चमन है ना, इस चमन में अगर बेशुमार फूल है, उन तमाम फूलों को अगर उगना है, उन तमाम फूलों को फलना है, तो माली सबको बनना पड़ेगा, सबका पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स में आप दूसरे फूल भी उगाइए ना, दूसरे रंगों के फूल भी उगाइए। बिल्कुल है। आप यकीन वादा करते हैं? आप यकीन मानिए कि मेरे पास जितने कॉर्पोरेटर थे हैदराबाद में, हम पावर में थे, सबसे ज्यादा ओबीसी कॉर्पोरेटर मेरे पास थे, दलित मेरे पास थे। आपने अपनी पार्टी से किसी हिंदू को, किसी सिख को टिकट दिया है? बराबर दिया है सर। किसने कहा? महाराष्ट्र में 25 में से 5 दिए। अच्छा, गंगाधर गड़े साहब, सलास्कर साहब शोलापुर से, यहाँ हम लड़े जब दिए सर। अरे ये अगर कोई नहीं देखना चाह रहा तो मैं क्या करूँ? नहीं आप बताइए, इसीलिए तो मैं आपको यकीनन दिए सर, यकीनन। वैसे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि आपके समर्थकों को ताली तो बजानी चाहिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसे भाषण और अब कम होंगे। नहीं, कम दुनिया होंगे, हक बोलते रहेंगे।